प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास एवं बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड भारतीय संस्कृति की मूल प्रवृत्तियाँ का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महावीर महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और उनकी उनसे संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं जैसे महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि के विषय में बताया था। आज हम बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत अगर हम देखें तो ये देखने में आता है कि महात्मा बुद्ध ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि विश्व या मनुष्य अमर है या नश्वर है, सीमित है या असीम है, जीव और शरीर एक हैं या अलग है। जब कभी भी उनसे किसी ने इस प्रश्न के बारे में पूछा तो वे या तो मौन रहे या इसे निरर्थक समझकर टालते रहे। इस दृष्टि से उन्होंने अपने जो धर्म की व्याख्या की उसमें उन्होंने धर्म में नैतिक आचरण और नैतिक चरित्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उनका जो धर्म था वो मध्यम मार्गी धर्म था, जो अति पर विश्वास नहीं करता, यानी ना तो अत्यधिक कठोर तपस्या करो और ना ही अत्यधिक भोग विलास। मध्यम मार्ग पर चलकर अपने चरित्र और आचरण को संवार कर उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की कामना की। उनका जो धर्म था वो प्रमुख रूप से उसकी आधारशिला चार आर्य सत्य थे। इसे बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य कहते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख स्तंभ भी हैं। इनमें प्रथम जो आर्य सत्य है वो है दुख। बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला। उनका यह मानना था कि संपूर्ण मानवता दुखी है, किसी को किसी बात का दुख है तो किसी को अन्य बात का। उनका ये मानना है कि जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है, बुढ़ापा और रोग भी दुख है, प्रियजन से वियोग भी दुख है और इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख है। इस प्रकार बौद्ध धर्म ये मानता है कि चारों ओर दुख ही दुख है। दूसरा जो आर्य सत्य उन्होंने माना वो है दुख समुदाय। उनका ये मानना है कि दुखों का कारण क्या है, तो दुखों का कारण उन्होंने तृष्णा को माना। तृष्णा जैसे आसक्ति है, राग है, काम तृष्णा है, भाव तृष्णा है, ये विभिन्न प्रकार की तृष्णा ही दुख समुदाय हैं। तीसरा आर्य सत्य माना दुख निरोध। वो कहते हैं कि तृष्णाओं का विनाश करके हम दुखों का विनाश कर सकते हैं। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। उन्होंने तृष्णाओं के निवारण के लिए जो मार्ग बताया वो दुख निरोध मार्ग कहलाता है। इसी मार्ग को मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत उन्होंने आठ अंग बताए। पहला अंग है सम्यक दृष्टि, यानी ऐसी दृष्टि जो सत्य असत्य पाप पुण्य सदाचार दुराचार आदि में भेद कर सके। दूसरा सम्यक संकल्प, यानी तृष्णा का निवारण करने का संकल्प ही सम्यक संकल्प है। तीसरा मध्यम मार्ग था सम्यक वाणी, यानी ऐसी वाणी जो विनम्र हो, जो मृदु हो और जो सत्य हो, वो ही सम्यक वाणी है। चौथा आर्य सत्य सम्यक कर्मांत, अर्थात
सब कर्मों में पवित्रता रखना, हिंसा, द्रोह, दुराचार आदि से बचना ही सम्यक कर्म है, जिन्हें हम सत्कर्म भी बोलते हैं। पांचवा आर्य सत्य है, सॉरी पांचवा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीव, यानी जीवन निर्वाह के लिए न्यायपूर्ण और सत्य मार्ग पर चलना, यानी ईमानदारी पूर्वक आजीविका अर्जन करना। छठा जो मध्यम मार्ग था या अष्टांगिक मार्ग था वो था सम्यक प्रयत्न, यानी सत्कर्मों के विकास के लिए निरंतर उद्यत रहना ही सम्यक व्यायाम है। सातवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति, यानी उत्तम शिक्षाओं को सदैव याद रखना ही सम्यक स्मृति है। और आठवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि, अर्थात राग और द्वेष से रहित होकर एकाग्रचित्तता बनाए रखना ही सम्यक समाधि है। इस प्रकार उन्होंने मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग अपने शिष्यों को बताए। इसे हम मध्यमा प्रतिपदा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ना तो शारीरिक कष्ट और क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित बताया गया है, ना ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। अर्थात ये मार्ग दोनों अतियों के बीच का मार्ग था। इसके पालन से मनुष्य निर्वाण पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। महात्मा बुद्ध द्वारा बतलाए गए जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनमें दस शील भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये दस शील बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए उन्होंने बताए, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये प्रारंभिक पांच जो दस शील हैं वो सभी के लिए हैं। जबकि नृत्य गायन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, ये बाकी के जो पांच और दस शील हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं। सदाचार के इन नियमों का पालन करके बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने आचरण को, अपने चरित्र को ऊंचा उठा सकते थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। उनका मानना था कि वेदों में दी गई बातों को हम अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वेदों की यही कारण कि महात्मा बुद्ध ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते। यही कारण है कि कुछ लोग महात्मा बुद्ध को इस कारण, क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, उन्हें नास्तिक भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा बतलाए गए दार्शनिक सिद्धांतों में अनात्मवाद भी है। अनात्मवाद यानी वो आत्मा की सत्ता में या आत्मा में भी वो विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि यदि आत्मा है तो मनुष्य को अपने से आसक्ति हो जाती है और यही आसक्ति दुख का मूल कारण है। अगर मनुष्य यह सोचकर कि मृत्यु के बाद मेरा कुछ भी शेष न रहेगा तो उसे अपने इस सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं रहता, लेकिन आत्मा की उपस्थिति के कारण वो फिर से जन्म लेगा और इस सांसारिक मोह माया के बंधन से वो कभी मुक्त नहीं होगा और इस प्रकार उसका कभी भी मोक्ष नहीं हो पाएगा। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से कर्मवाद पर आधारित है। कर्मवाद पर अत्यधिक बल दिया गया है, साथ ही निर्वाण के महत्व को भी इसमें बताया गया है। बौद्ध धर्म का ये मानना है कि किसी भी वस्तु की घटना, किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसे बौद्ध धर्म में प्रतित्य समुत्पाद का नियम अथवा कार्य कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। उनका यह मानना है कि बिना कारण कुछ भी घटित
नहीं होता। संसार में बारंबार जन्म और उससे होने वाले दुखों का संबंध किसी सृष्टिकर्ता से नहीं है, प्रत्युत उनके कुछ निश्चित कारण व प्रत्यय यानी शर्तें होती हैं। और यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद को इतना महत्व दिया कि इसे ही उन्होंने धम्म अर्थात धर्म कहकर पुकारा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत क्षणिकवाद का सिद्धांत भी है। उनका यह मानना है कि संसार परिवर्तनशील है और क्षणिक है, यानी कोई भी ना तो संसार और ना ही ये जीवन नित्य नहीं है, दोनों नाशवान हैं और परिवर्तनशील है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह प्रति क्षण बदलते रहता है किंतु पूर्ववत दिखाई देता है, उसी प्रकार संसार का यह परिवर्तन निरंतर होता रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा आज हमने अपने इस लेक्चर में की है। मैं आपको अगले लेक्चर में बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य कुछ प्रमुख बातें बताऊंगी, जैसे बौद्ध संघ क्या है, बौद्ध संघ का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद किस प्रकार चला और किस तरीके से प्रमुख बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, इसकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। नमस्कार।